स्वयं चैतन्य शक्तिपीठ विरार व संचालक आनंदधाम गोशाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्रीमद भागवत कथेसह सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे। कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या मृत व्यक्तींच्या आत्म्यास शांती मिळावी यासाठी सदर भागवत कथा व सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे। दिनांक 13 एप्रिल 2022 पासून या कथा व सप्ताहाला प्रारंभ होणार आहे तर 19 एप्रिल रोजी सांगता होणार आहे। सलग 7 दिवस चालणाऱ्या या सप्ताहात यज्ञ महापूजा कथावाचन आदि कार्यक्रम होणार आहेत। श्रीमद भागवत कथा व्यास तथा भागवताचार्य शरदभाई व्यास धर्मपूरवाले यांच्या सुमधुर वाणीतून ही कथा प्रकट होणार आहे। विरार ईस्ट स्टेशनपासून 5 किलोमीटर अंतरावरील हायवेकडे जाणाऱ्या रस्ता लागून या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे। तर या भागवत कथेचा व सप्ताहाचा लाभ विरार शहरवासियांनी घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे। संस्था ये जो हमारी आनंदधाम गौशाला संस्था है ना, वो यहाँ 22 साल से हम प्रवृत्त है और ऐसे है गुजरात में, दूसरे स्टेट में, अभी वहाँ छत्तीसगढ़ से भी एक मुझे अप्रोच कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हमें आपसे जुड़ना है और आपके जो आपका जो मैसेज है उसको हमें भी स्प्रेड करना है, आपके लिए हमको भी काम करना है। लेकिन हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है ना हमारी संस्था का, ये है कि जीव दया और मानवता, और हमें जो भी ईश्वर ने दिया है, जो संस्कार मिला मुझे, जो समझ मिली या जो मुझे ज्ञान मिला, तो उसके लिए ईश्वर ने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया था। मेरी जो भी आत्मा की अनुभूति है, तो इंसान को जो आत्मा की अनुभूति के लिए का उपयोग करना है अगर संसार के कल्याण के लिए, तो इसका कोई मूल्य नहीं मांगना चाहिए कभी। तो इसीलिए मैं कहीं भी दूसरी जगह पर संस्थान किसी के भरोसे पे शुरू करना नहीं चाहती हूँ कि हमारे सिद्धांत के ऊपर जाके कोई इसका दुरुपयोग करे और पैसे दूसरे कई गरीब इंसानों का भला करने के नाम पे उनसे उनका शोषण करे, ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं ऐसे मेरे नाम से और जगह पर संस्थान शुरू करूँ। और मेरा जो उद्देश्य भी है वो सिर्फ धर्म नहीं है, मानवता और जीव दया और संस्कार और संस्कृति, ये सारी चीज़ों को जगाने के लिए मैं काम करती हूँ। इसलिए ये बहुत आसान भी नहीं है कि सब लोगों को हम जोड़े, क्योंकि सब लोग इसको समझ नहीं सकते। इसलिए हम संस्थानों को दूसरी जगह पे स्थापना करने के बारे में मैं कम सोचती हूँ। और दूसरा, जो गाय हमारे यहाँ पे जो गाय है, तो कैसे कि जब ये अपने आनंदधाम गोशाळेच्या मध्ये सप्ताहाच्या जे काय नियोजन आहे तुमचं, याच्याबद्दल आमच्या चॅनलला काय माहिती देणार? ऐसा है कि ये अभी जो कोरोना का समय गया 2 साल, और भागवत सप्ताह का ये महत्व रहता है कि जो भी भागवत सप्ताह कराते हैं ना, तो इनके भी जो भी सदगत हो गए, मतलब परिवार से जो भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसकी सदगति के लिए, उसकी आत्मा को सदगति मिले, उसके लिए ये भागवत सप्ताह अपने पुराणों में बताया है कि उसका महात्मा बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो और सब कैसे कि अभी इतना समय खराब है कि कोई खर्चा करके भागवत सप्ताह कोई एक परिवार नहीं कर सकता। भागवत सप्ताह बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो बहुत ज़्यादा परिवार के लोगों को एक साथ में अपने पितरों को सदगति का लाभ मिले, इसके लिए हमने ये आयोजन किया है। कि अभी कोरोना का समय गया है, बहुत सारे परिवार से ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है कि जिनको कुछ इच्छा विधि करने को मिला नहीं है उनकी सदगति के लिए, तो इसलिए हमने ये सोच के ये प्रोग्राम किया है, भागवत का आयोजन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके इसका लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के पितरों को सदगति मिले, इसलिए हमने भागवत का आयोजन। हमारा ये जो गौशाला स्थापना करने का जो उद्देश्य है ना, वो सच में ही विश्व शांति के लिए है। कल्याण तो हम क्या करेंगे, जब शांति बनेगी तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, पर विश्व शांति के लिए मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। और विश्व शांति किससे बनेगी, अभी जो सबसे बड़ी अशांति है वो धर्म के नाम पे है, धर्म के जो अंदर अंदर जो विखवा चल रहे हैं, और धर्म के लिए एक दूसरे के जो इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, तो हम धर्म नहीं है, धर्म के पहले इंसानियत है और अपने संस्कार और संस्कृति है, तो उसको फिर से जगाने के लिए हम प्रवृत्त है। और उसके लिए सभी धर्म के लोगों को बहुत सरलता से समझ में आए उस तरह की ज्ञान की बातें हम यहाँ से प्रचार करते हैं, कि इंसान यहाँ पे आए तो अपना धर्म मजहब भूल जाए, उसको सिर्फ इतना याद रहे कि मैं तो इंसान हूँ और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ये चीज़ का हम यहाँ से प्रचार करते हैं। और इसी ये जगह का उद्देश्य जो है ना, वो विश्व शांति के लिए है, उसके लिए हम सोशली एक्टिव हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितने लोगों को हम साथ में हमारे साथ में जोड़ सकते, विश्व शांति के लिए धर्मों को दूर करना है, इंसानियत को आगे लाना है।